बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी का जज्बा हर इंसान की फितरत में वदियत कर दिया गया है। यही वजह है कि इंसानी फितरत नेकी की तरफ हमेशा अट्रैक्ट रहती है। इंसानी फितरत और अक्ले सलीम पर जब गफलत के पर्दे पड़ना शुरू होते हैं तो इंसान दीन से भी दूर होता है और नेकी के जज्बे को भी खो देता है। आदियत परस्ती दीन के इस जज्बे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। फितरत सलीमा को मसख करने में भी मादियत परस्ती का बड़ा हाथ है। अक्ले सलीम भी हक को एक्सेप्ट करने से उस वक्त इनकार करता है जब वो मादा परस्त हो जाता है। इंसान की कोई भी तारीफ की जाए, एहसास उसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा। एहसास मादियत परस्ती की ज़िद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो इस गांव पर जो मादियत परस्ती से कोसों दूर अपने मतीन की ज़ाहरी तालीमात पर अमल करने वाले सादा लोह लोग हैं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये खेतों में काम करने वाले लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। इनके गांव में जामिया मस्जिद बनने का ऐलान हुआ तो तमाम गाँव वालों ने अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर मस्जिद की तामीर में भरपूर हिस्सा लिया है। ये रोज़ाना सुबह उठकर मस्जिद के काम को एक ख़ास टाइम देते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा था, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़ारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, बरम रखते हैं अगर तुम्हारा तो गरीब, नाम लेते हैं अगर हमारा तो गरीब, उम्रा नशाए दौलत में गाफिल हैं हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी दीन के साथ ऐसी ही मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।